नियुक्त शिक्षकों को नियुक्त पत्र वितरण कार्यक्रम में शामिल होने पहुंची प्रदेश की वैश्विक शिक्षा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार अनुपमा जायसवाल ने गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए कहा कि अब प्राथमिक स्कूलों में शिक्षकों की कमी नहीं रहेगी। मंगलवार को 1260 शिक्षकों को नियुक्त पत्र के वितरण का काम शुरू हुआ है। उन्होंने कहा कि चौपाल के माध्यम से सरकार जन कल्याणकारी योजनाओं को गाँव तक पहुँचा रही है और लोगों की समस्याओं को मौके पर ही निस्तारण कर रही है। शिक्षकों की स्कूल में समय से उपस्थिति के बारे में पूछे गए सवाल पर अनुपमा जायसवाल ने कहा कि सरकार बदली है, उसके बाद स्कूलों के हालात भी बदले हैं। उन्होंने कहा, निर्णय लिया गया 12460 के जो अध्यापक थे और न्यायालय में एक लंबी लड़ाई लड़ रहे थे और एक बड़ी धमकी स्कूल के सामने थी, लेकिन मैं बधाई देना चाहूँगी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी को, जिन्होंने मिनटों में एक प्रतिनिधिमंडल के साथ वार्ता करते हुए तत्काल इसके ऊपर निर्णय लिया, जिसके कारण 12460 जो प्रदेश के होनहार शिक्षक थे उनको आज उनके नियुक्ति पत्र मिले। और उससे बढ़कर भी बात यह है कि यह प्रमाण पत्र एक आयोजन करके और स्वयं मुख्यमंत्री जी ने अपने हाथों से बांटने का काम किया है। मैं ऐसे सभी नवनियुक्त अध्यापकों को, शिक्षकों को बधाई देती हूँ। और उत्तर प्रदेश के साथ साथ जिस तरीके से देश भी एक माहौल बना है, एक विश्वास का माहौल बनाया है आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, और उसके कारण उत्तर प्रदेश भी आज विकास के रथ पर आरूढ़ है। और आप देख रहे हैं कि गांव में प्रवासों के माध्यम से क्या मुख्यमंत्री हों चाहे उपमुख्यमंत्री हों, उत्तर प्रदेश के सारे मंत्री हों, मैंने खुद भी 3 जगह प्रवास किया है और आज भी संत कबीर नगर में मेरा भी आज चौपाल का कार्यक्रम है, प्रवास का कार्यक्रम है। तो गाँव पहली बार ये देखने को मिल रहा है कि जब गाँव वाले मंत्रियों को अपने बीच में पाते हैं, मंत्रियों को अपने साथ खाते हुए देखते हैं, मुख्यमंत्री को चारपाई पर सोया हुआ देख रहे हैं और इतनी बड़ी संख्या में जिले भर के अधिकारी वहाँ पहुँच कर उनकी समस्याओं का तत्काल निराकरण कर रहे हैं और जो सरकारी योजनाएं उनका प्रचार प्रसार करने का भी काम कर रहे हैं। क्योंकि जो गांव का व्यक्ति होता है हर बार उसके लिए जो योजनाएं बनाई जाती है वो जान नहीं पाता है, तो ये बड़ी बात है। चाहे वो निःशुल्क आवास की बात हो, सौभाग्य योजना के तहत बिजली वितरण की बात हो, वैसे शिक्षा विद्यालयों की अच्छी हो रही सुधार की प्रगति की बात हो, बच्चों को जो सुविधाएं मिल रही हैं उनकी बात हो, हर तरीके से यह उत्तर प्रदेश सरकार केंद्र सरकार की नीतियों को जन जन तक ले जाने का काम कर रही है और मैं इसके लिए आदरणीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत उनकी सराहना करती हूँ। चौपालों में देखा जाए तो अक्सर शिक्षकों की उपस्थिति विद्यालय में समय से नहीं हो पा रही, शिक्षकों की उपस्थिति विद्यालय में समय से नहीं हो पा रही, उसके लिए क्या करें? एक बदलाव जो आया है वो सभी महसूस कर रहे हैं और ये बीते दिनों की बात है कि जब स्कूल नहीं पहुँचेंगे तो पहुँचना है सर, नौकरी देने का काम भी सरकार कर रही है।